दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम चैप्टर एनपीओ ऑफ टीएस ग्रेवाल बुक 2021 एडिशन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। नीचे डिटेल्स गिवन है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 दैट इज ये ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपए। क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं ओपनिंग के 20,000 रुपीज। एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब दोस्तों प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हमने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, जो हमने एडवांस पे किया हुआ था स्टेशनरी के लिए, दैट इज ये 2,000 रुपीज ओपनिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी गिवन है। इसके बाद अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर्स को पे किए हैं स्टेशनरी के लिए। इसके बाद स्टॉक 31 मार्च 21 मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 रुपए एंड क्रेडिटर्स सेम डेट पर दैट इज क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000 रुपए और जो एडवांस पेड है क्लोजिंग का 31 मार्च 21 का वो है 3,000 रुपीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सारी डिटेल्स गिवन है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन में आपको मेथड नंबर 1 से अगर आप इसे करेंगे तो आपको एक स्टेशनरी अकाउंट बनाना होगा और एक क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट आप बनाएंगे टू कैलकुलेट द क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर और उस क्रेडिट परचेज को यहां से फाइंड आउट करने के बाद आप स्टेशनरी अकाउंट में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेशनरी अकाउंट में। दोस्तों आप ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे 30,000 रुपए और इधर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपीज और यहां क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। यहां पे आप ओपनिंग क्रेडिटर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में 20,000 और यहां 13,000 रुपीज क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग में जो एडवांस आपने पे किया हुआ है 2,000 रुपीज और क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर यहां पे आप दिखाएंगे क्रेडिट साइड में एज बैलेंस सीडी और ड्यूरिंग द ईयर जो अमाउंट हमने पे किया क्रेडिटर्स को वो है 1,08,000 रुपीज। तो यहां पर दोस्तों आप टोटल करेंगे तो 1,23,000 आएगा आपका और यहां से आपके बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगी 1,00,000 रुपीज जो की होगी हमारी क्रेडिट परचेजेस और यही 1,00,000 रुपीज आपको स्टेशनरी अकाउंट में लिखना होगा डेबिट साइड में टू क्रेडिट परचेजेस। तो यहाँ 1,00,000 दिखाने के बाद आप टोटल करेंगे डेबिट साइड का तो 1,30,000 रुपीज आएगा और उसमें से आप ये 5,000 माइनस करने के बाद यू विल गेट 1,25,000 एज योर बैलेंसिंग फिगर जो होगा आपका आंसर स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से कर सकते हैं जिसमें आपको एक सिंगल अकाउंट बनाना होता है मेमोरेंडम स्टेशनरी अकाउंट। उसमें आप इन दोनों अकाउंट को क्या कर देते हैं कंबाइन। तो कंबाइन करने से क्या होता है आपको क्रेडिट परचेज नहीं दिखाना पड़ता क्योंकि क्रेडिट परचेज यहाँ पे डेबिट साइड में भी है और यहाँ क्रेडिट साइड में भी है तो क्रेडिट परचेज से क्रेडिट परचेज तो कट हो जाता है, बाकी सारी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड आपस में कंबाइन हो जाती है। आप देखेंगे इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन। अल्टरनेट सॉल्यूशन में आपको सिंपली एक मेमोरेंडम स्टेशनरी अकाउंट बनाना होगा और यहाँ आप टू बैलेंस बीड में ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका 30,000 और ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर 2,000 रुपीज दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में इन दोनों का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 5,000 और क्लोजिंग में कितना एडवांस पेमेंट है क्रेडिटर्स को 3,000 रुपए और यहाँ क्रेडिट साइड में आपको ओपनिंग क्रेडिटर 20,000 एंड यहाँ पे आप डेबिट साइड में क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000 रुपए दिखाएंगे और ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना कैश एनपीओ ने पे किया वो आपको यहाँ दिखाना होगा। इसमें आपको टोटल एक तो कैश परचेज कितनी की आपने वो प्लस जो ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर को आपने अमाउंट पे किया स्टेशनरी की वो इन दोनों का आपको टोटल करना होता है। तो इस क्वेश्चन में कैश परचेजेस तो हमें गिवन नहीं है वो निल है और अमाउंट पेड 1,08,000 रुपए तो यहाँ आप लिखना होगा 1,08,000 रुपीज और इस तरीके से आप डेबिट का टोटल करेंगे 1,53,000 आ जाएगा और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद यू विल गेट 1,25,000 एज योर आंसर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा एज स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका आंसर 1,25,000 आएगा एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू विल गेट 1,25,000 एज योर आंसर। तो दोस्तों आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करके आंसर अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो आप सभी इसको नोट डाउन करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको फ्यूचर में नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव होती रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।